अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 31st एपिसोड ऑफ टेक वीकेंड। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरनेशनल जो लोकल न्यूज़ है वो देता हूँ, और संडे वाली न्यूज़ मिस हो गई थी तो आज जो है मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो भाई न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पीटीए से रिलेटेड, और मल्टीपल इसके अंदर जो है जगहों के ऊपर जो नेटवर्क है वो रिस्टोर हुआ जहाँ पे फ्लड्स वगैरह थे, और कंपनीज़ कह रही हैं हमें इंपोर्ट के लिए परमिशन दी जाए जहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह डैमेज हुआ है, और काफ़ी और चीज़ें वगैरह जो हैं वो इस वजह से जो है इफ़ेक्ट वगैरह हुई हैं। अक्सर इंटरनेट के अंदर मसला वगैरह आ रहा है, और उसके अलावा जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है उसने ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ इसकी वजह से, और इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट करेगी ये चीज़, और बकायदा नज़र भी आ रहा है। तो ये कुछ सारा ओवरऑल मिक्स सीन चल रहा है, और कई कंपनीज़ फ्री के अंदर जो है वो दे रही हैं मगर कनेक्टिविटी इशू होने की वजह से भी जो है वो उस तरह से जो सीन है वो नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिकवरी की तरफ जा रही हैं, तो देखते हैं कि कितनी देर तक जो है ये होता है। बाकी आप अपना अगला अपडेट देख लें तो वो भाई आ रहा है जी गवर्नमेंट से रिलेटेड, और जो ये वाली गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि जो पीटीआई वाली जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान वाली, इन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी पॉलिसी बनाई थी जिसके अंदर वो हेट स्पीच के अंदर आ जाता था, कोई आप डिफरेंट कह लो इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट बोलोगे तो डिफरेंट वो चीज़ें वगैरह थी, तो मे बी उसके अंदर कुछ सख्ती करें या कुछ और करें या कंपनी से बात करके ऑफिस वगैरह यहाँ पे ओपन हो। तो अभी सिर्फ एक न्यूज़ आई और इसको पता नहीं किस चीज़ से लेके चलते हैं, क्योंकि पीटीए वाले तो ये भी डिमांड करते थे कि आप हमें डाटा वगैरह भी शेयर करो। तो ये कुछ अपडेट आ रहा है इस गवर्नमेंट से रिलेटेड, बाकी देखो अभी आगे ये लोग क्या चीज़ें वगैरह करते हैं, बस बंद ना करा दें। और अगला अपडेट देख लें तो ये आ रहा भाई साइंटिस्ट्स ने जो है ना प्लास्टिक को यूज़ करके रियल डायमंड बनाने का एक तरह से एक रिसर्च किया, और कैलिफोर्निया और जर्मन बेस्ड रिसर्चर्स थे जिन्होंने प्लास्टिक को जो है वो बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर जो है वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट करने का जो है वो एक कह लो टेस्ट किया है, और उसके अंदर वो सक्सेसफुल रहे हैं, मगर इसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह हैं, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई लेवल का चाहिए होता है जो कि अक्सर मेटल बर्दाश्त नहीं कर पाते, और एक ये मेटैलिक चैम्बर के अंदर जो है ना वो करना पड़ता है। मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं आपको जाके बता पाऊँगा, मगर वो पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको पिघलाया जाता है और वो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, तो इस वजह से जो है वो बस माइनर लेवल के ऊपर जो है ये हुआ है। और अगर ये चीज़ बड़े लेवल पर आगे फ्यूचर में हो जाती है तो फिर डायमंड्स को भाई कौन पूछेगा। तो ये कुछ अपडेट्स है भाई, चीज़ें बड़ी स्पीड से आगे जा रही हैं, और मे बी डायमंड्स का क्योंकि इतना हाई प्रेशर होता है तो आगे चीज़ों के अंदर यूज़ होना शुरू हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अगला अपडेट देख लें तो वो भाई आ रहा है पोको 5 से रिलेटेड, और पता नहीं ये 4 क्यों चाइनीज़ खा जाते हैं, और इन्होंने जो है इसको यूरोप में भी लॉन्च कर दिया, अभी 2-4 दिन पहले जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ है, और यूरोप के अंदर जो इसकी प्राइस है वो 189 जो है वो पाउंड यूरो रखी है, और तकरीबन ये पाकिस्तान के अंदर अभी एक आधे महीने तक जो है वो लॉन्च हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर प्राइस तकरीबन 55 से 50 तक होगी। एक पोको M5 है और एक पोको M5 प्रो है, तो ये देखो अभी क्या प्राइसेस के साथ लॉन्च होती है। 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले वगैरह है और स्नैपड्रैगन जो चिपसेट वगैरह यूज़ किया हुआ, मोबाइल काफ़ी तगड़ा है। अभी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर किस प्राइस के अंदर आता है, क्योंकि डीवैल्यूएशन इस वजह से हो गई है तो बंदा अजीब ही लगता है यार मोबाइल फ़ोन की स्पेशली बात करते हुए। बहरहाल अगला अपडेट देख लें तो वो भाई आ रहा है जी एप्पल से रिलेटेड, और एप्पल की जो अगली वॉच हो सकती है सीरीज़ 8 की, उसके अंदर में भी कोई एक्स्ट्रा बटन शटन ऐड किया, क्योंकि एक पिक्चर लीक आई है जो कि पेटेंट है, और उसके अंदर शो इस तरह से हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा बटन वगैरह या कुछ उभरा सा वो है, अब कोई सेंसर वगैरह हो सकता है या हम होलोग्राम डाल दें, कुछ कह नहीं सकते। तो ये कुछ अपडेट आ रहा है एप्पल से रिलेटेड, और देखो भी आगे फ्यूचर के अंदर क्या प्राइस के अंदर ये लोग लॉन्च करते हैं और क्या इसके अंदर फीचर्स वगैरह होते हैं। एनीवे अपना जो है लास्ट अपडेट देख लें तो भाई वो आ रहा है जी एक्सबॉक्स रिलेटेड, और एक्सबॉक्स का जो पावर सेव मोड है वो यूके के अंदर जो है इनरोल वगैरह हुआ है, और इसके अंदर शायद जो है जो ओवरऑल एस्टिमेट निकाला उसके अंदर महीने की ये 5 पाउंड की जो है वो बिजली बचा सकता है, इस तरह का कुछ एक्सबॉक्स वगैरह जो है वो क्लेम करता है। अब अगर ये चीज़ पाकिस्तान में होने लग जाए तो भाई 2-2.5 हज़ार का तो बिल ऐसे ही बच जाएगा, और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर वाकई में इतनी बिजली ये बचा लेता है।
तो ये कुछ एक्सबॉक्स से रिलेटेड अपडेट और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर देनी चाहिए, जितनी यहाँ पे जो है वो बिजली महंगी हो चुकी है। तो ये कुछ अपडेट आ रहा है भाई हमारे आज के। उसके अलावा आप लोगों को कोई सवाल वगैरह हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।